नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। जस्टिस एपी शाह, जस्टिस मदन लुकूर और एन राम जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में डिबेट होना चाहिए ताकि जनता को असली इश्यूज के बारे में पता चले और जनता जागरूक होकर सही निश्चय ले पाए कि कौन सी पार्टी बेहतर है या नहीं। राहुल गांधी के पास सामने जब ये सवाल रखा गया तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं तो 100% इस डिबेट के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे पता है कि मोदी जी इस डिबेट के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। उसके बाद तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो ये लिख रहे थे कि भाई राहुल गांधी कौन है, मोदी जी को उनसे डिबेट क्यों करना चाहिए, पहले इंडिया गठबंधन उनको प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करे, उसके बाद हम डिबेट कर लेंगे। यानी कि वो सारी बहस बीजेपी ने आकर अटका दी कि राहुल गांधी कौन है जिनसे कि पीएम मोदी को डिबेट करनी चाहिए। सवाल ये उठता है और यही सवाल आज न्यूज लॉन्चर पर मैं पूछ रही हूं कि क्या नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डिबेट करने के लिए फिट हैं? क्या नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के सामने राजनीतिक लड़ाई में कूदने के लिए फिट हैं? और तीसरा सवाल कि क्या नरेंद्र मोदी और अगर राहुल गांधी की शख्सियत को 2024 में तुलना की जाए तो लोकप्रियता किसकी ज्यादा होगी? आज इसी सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर अनिल सिन्हा जी हैं। अनिल जी, जब से ये मसला छिड़ा हुआ है कि भाई एक पब्लिक डिबेट हो जाए राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी वाकई में फिट है राहुल गांधी के साथ डिबेट करने के लिए? क्योंकि पार्टी तो भाग रही है डिबेट से, पार्टी के नेता जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी है कौन? देखिए, मतलब ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। आप 10 साल के प्रधानमंत्री हैं और एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको कि स्पष्ट बहुमत है 5 साल से, ऐसे प्रधानमंत्री को 5 साल से तक मतलब पहले मतलब जिनको क्लियर मैंडेट है और कोई ऐसा बाय चांस नहीं बने, उनको प्रोजेक्ट करके बाकायदा बीजेपी ने उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया, पहले से लोगों को मालूम था, उसके बाद चुनकर आए, इसका मतलब पब्लिक मैंडेट उनको है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन लेकिन क्या वो जिस बहस के बारे में आप बात कर रही हैं उसके लायक है वो, उसके लिए उनकी तैयारी है या जो उनकी पूरी इमेज है उसमें कहीं दिखता है कि ये इस तरह की बहस, इस तरह के डायलॉग की गुंजाइश उनके व्यक्तित्व में है? तो मुझको लगेगा कि इसका मेरे ख्याल में इसका उत्तर नकारात्मक ही है। वो पहले तो आप समझ लीजिए ये कि जो जब से प्रधानमंत्री हैं और पहले भी जो उनका रिकॉर्ड रहा है मुख्यमंत्री के रूप में भी, वो ये रहा है कि कोई वो डायलॉग जिसको आप संवाद बोलते हैं, पब्लिक डिबेट संवाद, इससे वो भागते रहे। कभी भी उन्होंने इसके और इसका मौका नहीं दिया लोगों को, और ना वो ऐसी मतलब ऐसे मौक़ों पर कभी ऐसे सामने आते हैं कि इसमें हिस्सा लें, मतलब उनको उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। और उन्हें एक नए स्टाइल जो इसका नया फॉर्म मतलब एक नई स्टाइल जो है बनाई या पब्लिक डिस्कोर्स मतलब जो बहस और इसकी जो है वो स्टाइल में ये है कि मैं तो अपनी बात बोलूँगा और आपकी बात नहीं सुनूंगा। जस्ट अपोजिट जिसके बाद जो राहुल गांधी की आप बात कर रही हैं, राहुल गांधी ने जस्ट इसके अपोजिट किया, जिसको उन्होंने डिफाइन किया, उसके बारे में एक्सप्लेन किया लोगों को जो भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान कि मैं लोगों को सुनना चाहता, सुनना चाहता हूं का अर्थ ही है कि मैं आपके सामने हाजिर हूं आपसे बहस को सुनने का अर्थ ये है कि जब आप दूसरे की बात सुन रहे हैं तो आप रिस्पॉन्ड करेंगे उसके बारे में, आप ऐसा तो है नहीं कि आप सुन करके बैठ जाएंगे। तो ये डायलॉग की शुरुआत है, लेकिन वो शुरुआत क्या करना चाहते हैं कि मेरी बात से ना हो। राहुल गांधी का कहना ये है कि जो कोई भी बहस हो वो मेरे जो मन की बात है उससे ना हो, वो शुरुआत आप करिए, आप पूछिए, आप बताइए और मैं जो मेरी राय होगी रखूंगा। तो ये डायलॉग का जो जस्ट अपोजिट प्रोसेस है, ठीक उसके उलट। आपने देखा होगा क्या कि कितना इन्होंने चाय पर चर्चा, मन की बात,
मतलब सारा जो मॉडल है उस मॉडल में कहीं आपको दिखा है कि डायलॉग है? कहीं नहीं है। अच्छा, उनको जो उनके जो जिसको आप कहेंगे क्या कि सार्वजनिक रूप से सामने आने वाली जो चीजें हैं, मतलब ये है जो उनका चेहरा रहा है, जो आए हैं उसमें भी आप देखिए कि ऐसे ही और एक मतलब बनावटी तैयार किया हुआ स्टेज पर ही बोलते हैं। कॉन्क्लेव्स जो मीडिया हाउसेस के द्वारा चलाने वाले, या आपने देखा होगा लंदन में प्रसून जोशी जो नंबर एक चाटुकार, फिल्म में भी कोई शैलेंद्र और साहिर लुधियानवी नहीं है, वो थर्ड रेट ये मतलब गीतकार है, कुछ नहीं है, एक दो अच्छे गीत लिख दिए, एडवर्टाइजिंग का आदमी है बेसिकली, और वो उनको सवाल करता है, वही सवाल करता है। ऐसे ही सवाल उनके अक्षय कुमार, आप देख लीजिए कैसा है, आपको ध्यान होगा कि कोई ओपन डिबेट उन्होंने नहीं किया। नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब जो प्रधानमंत्री की छवि है, जो प्रधानमंत्री मोदी की जो एक छवि वो लेकर आए थे 2014 में कि भाई देखिए कितने तेज तर्रार प्रधानमंत्री हैं, 2024 आते आते क्या नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के आगे अब बिल्कुल फीके पड़ते हुए नजर आ रहे? पड़ते हुए नहीं, क्या पड़ गए हैं फीके, इन टर्म्स ऑफ डिस्कोर्स, इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, सब कुछ? देखिए ऐसा हुआ, प्रॉब्लम यहाँ आया था कि राहुल गांधी की इमेज जो कहते हैं कि इमेज बिल्डिंग का जो काम था, जो क्योंकि जमाना बदल गया था ना, जमाना बदल गया था कि पब्लिक डिसाइड नहीं कर रही थी, पब्लिक को डिसाइड करने के लिए जो बाकी उनको मतलब जिसको आप कहते हैं क्या कि ये बनाना, ये जो जिसको आप कहते हैं हिंदी में माहौल बनाना, और दूसरा है क्या कि ओपिनियन मेकिंग का जो है माइंड ये करने का, तैयार मन तैयार करने का, दिमाग तैयार करने का एक बड़ा तंत्र बन गया है। ये पहले नहीं था, वो बहुत कमज़ोर था, लोग अपने हिसाब से चीज़ें बनाते थे, और जो इमेज बिल्डिंग थी अंततः पब्लिक तैयार होता के जरिए होता था। बाद में एडवर्टाइजिंग और इसका दुनिया, ये इलेक्ट्रॉनिक चैनल, अब टीवी पर उनका एक तरफा मन की बात, और उस समय अरेंज्ड, उसमें मन की बात में भी है कि लोग सुनने के लिए भी कैप्टिव ऑडियंस, मतलब पकड़ करके लोगों को जहां तहां उसका लगा करके बनाना ये किया। राहुल गांधी का जस्ट उल्टा है, राहुल गांधी को तो एक तो लड़ना पड़ा उस इमेज से जो वो थे नहीं, जो जिसमें ऐसी इमेज थी जो उनकी थी नहीं असली में, उनको पप्पू बना दिया गया, जो कि 3 टाइम MP है, जो मतलब चुनाव जीत करके आया, हर एक कोई भी आप देखिए इशू है, चाहे मनमोहन सिंह के सरकार के समय में हो चाहे उसके बाद, उन्होंने इंटरवीन किया अपने ढंग से, नई बात कही। आपको याद होगा कि लैंड एक्विजिशन के मामले में भट्टा परसोल वाले आंदोलन में गए थे, रफाइल का मुद्दा उन्होंने उठाया, कोविड के समय में उन्होंने कई चीज़ें उठाई थी वैक्सीन से लेकर के हर एक मुद्दे पर, और कैसे करना चाहिए सरकार को, लेकिन उनकी बात इस तरह से उनको बनाए हुए था, एक गैंग जो है, एक गिरोह था IT सेल के नाम से, जो गिरोह दिन रात उनकी इमेज के बारे में उनको उनसे लड़ता रहता था। उनको इस इमेज से बाहर निकलने के लिए जाना पड़ा जनता के बीच में। नहीं तो अब ये फर्क आया, सही होगा, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि ये जो पूरा IT गिरोह था मोदी जी का, जो कि राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में लगा हुआ था, आज वही IT गिरोह फेल हो गया है और अब मोदी जी पप्पू साबित हो रहे हैं। आप देखिए मोदी जी किस किस तरीके की बातें करते हैं। ये देखिए मतलब जो भी जैसे जस्टिस लोकुर या AP शाह, दोनों मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज रहे हैं जिनके बारे में, वो दिल्ली हाईकोर्ट के, मेरे ख्याल में AP शाह दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, दिल्ली हाईकोर्ट के जी, हाँ, और उसका ये दोनों जो अपने मतलब अपनी क्षमता, अपने अपनी विद्वता या अपने जो न्याय न्याय प्रियता जिसको कहिए कि जस्टिस देने की के लिए मशहूर है, उसी तरह एन राम है, एक कमिटेड, एक बहुत ही मतलब तेज तरार समझदार विद्वान आदमी, तो उन लोगों को ये दिमाग में आया क्यों? इसीलिए आया, उनको लगा कि लोगों को एक तरफा चल रहा है, मतलब एक तरफ मोदी जी जो कि उनका आप देख लीजिए ना डिबेट का, आप जरा से समझ लीजिए, न्याय पत्र उनका आया,
उन्होंने बिना उसको पढ़े हुए बोल दिया मुस्लिम लीग की छाप। उसके बाद देखिए चल रहा है लंबे समय से, खरगे ने ऑफर किया था कि हम आपको जाएंगे, आपको बताना चाहते हैं। कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता, प्रधानमंत्री भी है ना वो सिर्फ ये नहीं है क्या कि वो बीजेपी के लीडर है, वो एक प्रधानमंत्री है। तो उस प्रधानमंत्री के लिए तो ये लाजिम यही था कि उनको वो बोलते कि ठीक है हम आप आइए बताइए हमने क्या गलत कहा है। लेकिन कभी भी वो जब वो बोलते हैं अब कोई आरोप लगाते हैं तो उसको साबित करने या उस पर जवाब देने के लिए नहीं आते। और इस मामले में तो जैसे अडानी अंबानी वाला इशू उठाया उन्होंने, इसमें तो उनके प्रवक्ता पूरी टीम भाग गई। तो इस बहस में तो शामिल ही नहीं, उन्होंने कहा कि भाई करो जांच करो, तो किसी बहस में कभी वो थे नहीं। और उनको ऐसे ही पत्रकार चाहिए जो आपका नाम लेने की जरूरत नहीं है, जो कि स्क्रिप्टेड क्वेश्चन है उसके जवाब दें। उसमें भी कई बार होता ये है कि वो क्वेश्चन अगर मतलब वो बोलने में तो आपको एग्जैक्टली पढ़ नहीं सकते ना, तो क्वेश्चन का कुछ और मीनिंग निकल जाता है। जो उनका जो करने वाला पत्रकार सब भी हो तेज है, धूर्त भले ही है लेकिन है तो उसी टाइप का ना, जिसके पास ज्ञान और विवेक के अलावा कमी है बहुत चीज़ों की, सबसे बड़ी कमी है ईमानदारी की, तो सवाल करने में गड़बड़ हो जाता है। तो कई बार वो खुद आपको तो पता चलेगा कि प्रधानमंत्री दिक्कत में आ गए, तो कोई चीज़ का जवाब नहीं दे सकते। लिखित भाषण करते हैं हर एक भाषण, और उसके बाद लेकिन एक चीज़ में मानना पड़ेगा मुझको कि जब भी कॉमनल इश्यूज आते हैं, नफरत की बात आती है, तब उनकी ऊर्जा देखने लायक होती है। जब भी आपको आप बांसवाड़ा वाला उनको भाषण देख लीजिए या मतलब जहां भी आप देख लीजिए जिसमें मंगलसूत्र है, ये मटन मच्छी वाला है, उसमें उनका रियल सेल्फ जिसको कहता है कि आपकी अपनी असलियत सामने आती है, तो वो राहुल गांधी के साथ नहीं कर सकते। आप देखिए जरा अभी राहुल गांधी का जो एक भाषण सुन रहा था मैं। एक चीज बताइए अनिल जी, ये 2024 में पहली बार मैं देख रही हूँ कि नरेंद्र मोदी की इतनी सारी मीम्स बन रही है, वो चुटकुला बन चुके हैं, मजाक बन चुके हैं। जिस तरीके से कल उनका एक उड़ीसा का भाषण है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई नवीन पटनायक को तो अगर आप बिना पेपर के पूछ ले तो वो डिस्ट्रिक्ट नहीं बता सकते और जिलों के कैपिटल नहीं बता सकते। अब ये प्रधानमंत्री जिलों के कैपिटल बोल रहा है कि जिलों के कैपिटल होते हैं, उसको लेके तमाम मजाक हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये मीम बन रही है, प्रधानमंत्री खुद से एक चुटकुला बनते जा रहे हैं, तो क्या आज हम ये कह सकते हैं कि 2024 में राहुल गांधी हीरो हैं और मोदी जी ने अपने आप को खुद ही जीरो कर दिया? ये देखिए क्या है कि अब हमको लग रहा है कि वो बहस करना मतलब जो मुद्दे फेंक रहे हैं मोदी जी, उन मुद्दों में ज्यादातर मुद्दे ऐसे हैं जो उनके भक्त हैं उनको अपने साथ बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। उनको अब ये चिंता नहीं रही क्या कि अब हमको लग रहा है क्या कि इस तथ्य को समझ चुके हैं कि लोगों को अब हम मतलब हम में रुचि कम हो गई है, तो अब वो जो उनके भक्त थे जिनका मानना है कि महंगाई या बेरोजगारी चलेगी, हम जो है क्या कहते हैं मोदी जी ही आएंगे, ये वाला जो नारेबाज है स्लोगन देने वाला, वो उसको एड्रेस कर रहे हैं। अब वो जनरल पब्लिक को एड्रेस नहीं कर रहे। इसलिए मैं तो एक चैनल पे मुझसे बात हुई थी तो मैंने कहा भी था एक प्रोग्राम में कि मोदी जी कभी भी इसको स्वीकार नहीं करने वाले, इसलिए स्वीकार नहीं करने वाले हैं क्योंकि इसमें और उनकी कलई खुल जाएगी। आपने देखा कि मणिपुर आप देख रहे डिबेट आप कैसे करने, ये उम्मीद कोई कर रहा है कि वो राहुल गांधी से डिबेट करें? राहुल गांधी कौन सा ऐसा इशू देश में आया नोटबंदी से लेकर के, GST से लेकर के, रफाइल से लेकर के, कोविड से लेकर के, जिसमें कि राहुल गांधी ने संसद में या संसद से बाहर अपनी बात नहीं रखी और बात रखी तथ्यों के साथ, समझदारी के साथ, और वो अब उनका कुछ झूठ मूठ का कहीं कहीं से निकाल करके वो कोशिश करते हैं कि उनको तोड़ मरोड़ के रख दें। अब वो जैसे बोल रहे थे शक्ति की बात, तो शक्ति की बात को दुर्गा से जोड़ दिया, शक्ति का मतलब माँ शक्ति, वो शक्ति माता के बारे में थोड़े बोल रहे थे, लेकिन ऐसे उनको तोड़ मरोड़ के कोशिश करने लगे। लेकिन उसके बाद मतलब यही लेवल है, आप बात समझ लीजिए कि दो अलग लेवल के लोगों में क्या डिबेट होगा। एक जो देश दुनिया के बारे में जानता है, जो देश दुनिया की गहराई समझता है, जो दर्शन पर बात कर सकता है, जो इसके बारे में बात कर सकता है,
आपको याद होगा कि उनका एक और मीम बहुत हुआ था मोदी जी का वायरल, जिसमें वो एक संस्कृत श्लोक को इस तरह से बोल रहे थे, जैसे गाली, जैसे उत्तर भारत की जो गालियां दी जाती है उस टाइप का। मैं उसका दोहरा नहीं सकता, लेकिन वो ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप को भी इसी तरह का उन्होंने इस्तेमाल किया। वो ना अंग्रेजी बोल सकते हैं ना हिंदी बोल सकते हैं, ये भी सच्चाई है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी का कोई लेवल नहीं है कि वो मुकाबला कर सके राहुल गांधी का? मोदी जी के लेवल की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि जो उनका पूरा तंत्र है, मोदी जी और मोदी जी का जो गिरोह है, जो आईटी गिरोह है, उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। वो तोड़ मरोड़ कर कहीं कुछ को रख सकता है। और एक उनके और एक प्रवक्ता है जो कई बार, मतलब लगता है कि बहुत विद्वान है, वो कभी गांधी जी को कोट कर देंगे, कभी कोई किसी मतलब पुराण और वेद का भी कोट करने लगते हैं। और कई बार मैंने खुद उसको चेक किया है, झूठ बोलते हैं वो, मतलब वो एकदम अलग उसको कहीं से कहीं उड़ा करके करते हैं। तो उनका सारा मॉडल इसी पर है, तो वो कभी नहीं कर सकते। और आप उसमें, लेकिन अगर ऐसा हो जाए, आपको देखते नहीं, एक खूब उस वायरल हो गया, एक किसी मतलब एक वरिष्ठ महिला पत्रकार ने उनका जो ये है क्या कहते हैं नकल करने वाला, उसका मिमिक्री करने वाला, उसका उसके साथ उन्होंने इंटरव्यू कर लिया, मॉक इंटरव्यू, और प्रधानमंत्री का, और वो इतना वायरल हो गया, इतने लोग उसको देख रहे हैं, जिसमें कि वो जवाब देता इनकी मतलब इनके बदले, तो वो बहुत बढ़िया ये है। तो लोग अब मतलब देखिए कि कितना चुनौती कितनी आ रही है, मतलब ये सब चुनौती है कि आप आइए डिबेट में। अच्छा, डिबेट में आप छोड़ दीजिए राहुल गांधी ना डिबेट में रहे, लेकिन 20-25 वरिष्ठ पत्रकार, जो वरिष्ठ मतलब इनके चमचे नहीं, उन्हीं के बीच में वो आकर के उनके सवालों का जवाब दे, बहस छोड़ दीजिए, बहस एक अलग चीज है, सवाल का आप जवाब खाली दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो नहीं करने वाले। और वो आप सोच रहे हैं क्या कि स्टेज जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ये आपस में बहस करने के लिए करते हैं उनका डिबेट, और वो कोई सरकार की तरफ से नहीं होता है, कोई मीडिया हाउस, कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन उसकी तरफ से होता है। नहीं, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरी के 2-3 सवाल आपसे पूछूंगी कि क्या जो 2024 का जो असली हीरो है राजनीति का, क्या वो राहुल गांधी है? और असली जीरो अगर किसी ने अपने आप को साबित किया 10 साल राज करने के बाद, तो वो है नरेंद्र मोदी। ये तो करीब करीब साबित हो गया है, लेकिन उसमें दिक्कत कहाँ है कि मतदान पेटी में वो जीरो साबित होते हैं कि नहीं, क्योंकि उन्होंने पूरे अपने जितने तंत्र है उसको उसमें लगा रखा है। अब ये सबसे बड़ी चुनौती जो कांग्रेस, इंडिया गठबंधन या हम आप जैसे लोगों को जो लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, उसमें मैं अलग नहीं रखता अपने को, उनकी जितनी जिम्मेदारी है नागरिक के रूप में हमारी भी जिम्मेदारी, तो ये अगर ये सब लोगों के प्रयास के बावजूद अगर ये जीरो मतदान में नहीं साबित होते हैं तो बहुत मुश्किल होगी। लेकिन एक चीज है कि उसके आसार है, चाहे बहुत मैनिपुलेशन कर ले और क्या कहते हैं चुनाव आयोग, लेकिन इसके बावजूद मुझको लग रहा है कि स्थितियां बहुत गंभीर है। अब चौथे चरण का चुनाव आ गया है, कोई नैरेटिव नहीं है अभी। अभी देखिए, राहुल गांधी उनसे 15 मुद्दों पर बहस कर सकते हैं, 25 गारंटी और 5 न्याय, उस पर बहस कर सकते हैं। वो इनके नफरत के बनाम मोहब्बत पर बहस कर सकते हैं, वो इनके ये जो पूरी इनकी विदेश नीति है उस पर बहस कर सकते हैं, वो जो इनका कार्यकाल है 10 साल का, उसमें आर्थिक लोगों की हालत कैसी है, क्या है, उस पर ये वो जो दुनिया के अर्थशास्त्री है उनसे, वो रघुराम राजन से लेकर के थॉमस पिकेटी से बात करने की स्थिति में है। लेकिन ये किसकी स्थिति में, इनको अगर कागज नहीं देगा तो ये अंत में वही बोलेंगे कि वो जो संसद में है ना, वो हाथ चलाने वाला, वो उस टाइप का, या ऐसे ही डिबेट में वो कर सकते हैं, दूसरा उनके पास कोई चांस नहीं। तो और इनके लोग भी ऐसे ही अब उतर आए हैं। अभी तो एक देख रहा था सोनिया गांधी को बार वाला कहने वाला एक ये चला हुआ है वायरल, इनका एक प्रवक्ता बोल रहा है, जिस पर की गाली गलौज हो गई, तो अब वो कब का है मालूम नहीं,
लेकिन मैं उसका क्या 2024 वो एक ऐसा साल होगा जहां पर मोदी जी का पप्पूकरण हो गया एक तरीके से? देखिए इस मतलब इसको मतदान पेटी का सवाल है, इसीलिए कुछ सावधानी से कहना चाहिए, लेकिन लग तो यही रहा है। आपको देख रहे हैं कि आप चौथा चरण आने मतलब का मतदान हो जाएगा। अब तक मोदी जी का आप पूरा कंटेंट में आप देख लिए, तो एक तो शिफ्टिंग नैरेटिव है, नैरेटिव जो है वो पहला राम मंदिर से शुरू होते हैं, सीए होते होते मंगलसूत्र और मटर मच्छी हो करके अंत में आ जाते हैं अडानी अंबानी की टेम्पो में। अब आप टेम्पो में सवार हो करके इनको जाने का वक्त हो गया है, झोला अब झोला के बदले बोरी दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारा सामान होगा वहाँ पर इन जो इनको गिफ्ट किए गए होंगे व्यक्तिगत हैसियत में, तो उनको आप बोरे में डाल करके दे दीजिए। लेकिन क्योंकि अब झोला से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी झोला झोला मतलब छोटा, और इसीलिए बोरी की जरूरत है। और उन्होंने इशारा भी कर दिया, वाहन भी उन्होंने तय कर लिया है कि टेम्पो ले लीजिए और सवार हो जाइए। तो ये तो आप कह रहे हैं कि 4 जून के बाद मोदी जी टेम्पो में बैठ के जाएंगे। उनके लिए तो यही लगता है सबसे मतलब ये लाइटर वेन में है, लेकिन उनकी विदाई जो है ना, उनकी विदाई टेम्पो में ही होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे पसंदीदा उनको वाहन दिखाई दिया है जो वो भेज रहे थे इनके अनानी अम्बानी। अब बताइए कि जिसके जिसके ये में मकान में हेलीकॉप्टर उतरता है, शायद मैं पक्का नहीं हूँ लेकिन सुना है मैंने कि हेलीपैड बना हुआ है, वो जिसके मकान में अडानी भी इसी टाइप का होगा, वहाँ जहाँ हेलीपैड उतर रहा है उस शख्स के बारे में वो सोच रहे हैं कि टेम्पो में बोरी भर रहा है। ये आप देख लीजिए लेवल ऑफ इमेजिनेशन देखिए, कि वही लेवल है। यही मैं कह रहा हूँ कि राहुल, मैं तो एक चीज और कहूंगा, ये जाती है राहुल गांधी के साथ। आप उनको बहस में किससे उतारना चाहते हैं? जो आदमी रघुराम राजन अमर सेन से बात कर डिबेट कर सकता है, जो और ऐसे ही लोगों से बातचीत कर सकता है दुनिया में जा करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में जो भाषण करता है, उसको आप जो है कह रहे डिबेट करने के लिए मतलब ये मसीहा से, ये मुझको लग रहा है कि बहुत गलत है। ये अन्यायपूर्ण, ये एकदम अन्यायपूर्ण है, और इसका इम्प्लीकेशन जो भी हो, भाग रहे हैं ये अलग, लेकिन ये राहुल गांधी पर अन्याय मैं मानता हूँ। नहीं लेकिन नहीं, ये अन्याय तो ठीक है, ये आपका मानना है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी जी को पता है कि उस डिबेट में हार जाएंगे। अगर मोदी राहुल के साथ डिबेट करेंगे तो वो हार जाएंगे, ये बीजेपी को भी पता है, उनको भी पता नहीं, है। नहीं, आपको पता नहीं है, हमारे यहाँ कहा मैथिली में और जो अंगिका हमारा जो क्षेत्र है उसमें कहता है क्या कि अगर एक मतलब अब शब्द इस्तेमाल मतलब मूर्ख शब्द अगर खराब है तो नहीं कहूँगा, अगर उसको विद्वान के सामने ला दीजिए तो वो हारेगा विद्वान आदमी, क्योंकि वो उसका कई तरह के उदाहरण हमारे दिया जाता था, ऐसा सवाल करेगा जो सवाल है। अब जैसे मंगल सूत्र है, ये मंगल सूत्र का क्या जवाब देंगे वो, कि मंगल सूत्र आप छीनना चाहते हो, अब इसका जवाब आप देते रहिए, आप भैंस जो है ये खोल कर ले जाएगी। अब इनको क्वेश्चन देखिए जरा, मैं फ्रेम कर रहा हूँ। मजाक, आज एक मीम भी चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 2 टेलीप्रॉम्प्टर रखे और कह रहे 2 टेलीप्रॉम्प्टर था, एक कांग्रेस ले गई। नहीं तो नहीं, उनका आईटी वाला भी नहीं कर पाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए। अभी आप जरा देखिए राहुल गांधी का, देखिए राहुल गांधी को बहुत कोशिश की कि उनको अपने लेवल पे ले आए, लेकिन वो आए नहीं। वो पूछते हैं कि अडानी अंबानी ये करो, इतना पैसा उसके पास इस, जबकि लोग गरीब हो रहे थे और जब कोविड के समय में लोगों का हालत खराब हो गई नोटबंदी के समय में, और इनका पैसा बढ़ कैसे रहा था? अब इसका जवाब इसका ये क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे कि आपने रफाइल में ऐसा सौदा क्यों किया, वो क्वेश्चन करेंगे क्या कि इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने ये क्या कहते हैं वैक्सीन बनाने वाली उस कंपनी का जो अब वैक्सीन वापस ले चुका है, मतलब ऐसा वैक्सीन था जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था और ये आपको जानकारी थी, उसके बाद आपने उस वैक्सीन कंपनी से पैसे ले लिए और आपने ये कर दिया, उनको लगवा दिया और 72 रुपये का या कितना कह रहा है उसका वैक्सीन 700 रुपये में खरीदा, मतलब 100 गुना दाम दे करके खरीदा। एक तो ये कर रहे हैं आप, 100 गुना या 10 गुना, जरा मैथमेटिक्स मेरा प्रॉब्लम है।
तो आपने ऐसा किया, तो आप बताएं कि ऐसे ही सवाल करेंगे, वो पूछेंगे क्या कि आप 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, उनकी नौकरी का क्या हुआ है, 45 साल में सबसे ज़्यादा नौकरी। अब इसका और ये उनका सवाल होगा, और देश को कैसे आगे ले जाना है, विदेश नीति में चीन हम पर कैसे घुसा आ रहा है, ये सारे सवाल होंगे। मालदीव में हम क्यों फेल हो गए, कारगिल, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर सबकी कैसे क्या हालत हो रही है, आपके आप जो नीति है, ये सवाल करेंगे। और ये क्या सवाल करेंगे, आपका आप मंगलसूत्र चुरा के ले गए कि नहीं, ले जा रहे ले जाने वाले हैं कि नहीं, अब वो तो क्या बोलेंगे, बिल्कुल भैंस भैंस बोल कर ले जाएंगे कि नहीं, ये इनका तो लेवल है बिल्कुल। तो नहीं, और राम मंदिर में क्यों नहीं गए, ये सवाल इनका होगा, उनका सवाल ये होगा। आप बताइए कि इसका कोई मेल है, या हमको लग रहा है क्या कि ये अन्याय है। तो कुल मिलाकर आपने कहा कि राहुल गांधी के साथ अन्याय है अगर मोदी जी उनके साथ बहस करेंगे, क्योंकि उन दोनों का कोई लेवल नहीं है, इंटेलेक्चुअल लेवल की अगर हम बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम आखिरी सवाल आपसे यही है कि राहुल गांधी के साथ नरेंद्र मोदी बहस करने के लिए फिट नहीं है, और राहुल हीरो और मोदी जी जीरो। अभी आप देख लीजिए, आपकी बात एकदम सच है, हम जीरो बोलना नहीं चाहते, जीरो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, किसी भी प्रधानमंत्री है, हमारा प्रधानमंत्री भी है, लेकिन जीरो ही है। अभी आप देख लीजिए, अभी उनके बारे में चर्चा क्या चली, वो आम चूस के खाने वगैरह काट के खाने वाला छोड़ दीजिए, आप क्या करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं। कभी सुना है आपने कि उन्होंने कहा कि मैं 10 घंटे पढ़ाई करता हूँ, कोई भी विद्वान जो पढ़ने लिखने वाला है, अगर आप मनमोहन सिंह से यही सवाल करते हैं कि आप जो है कितना वक्त कैसे आप बिताते हैं, तो मनमोहन सिंह क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि मैं आजकल ये किताब पढ़ रहा हूँ। मेरे ख्याल में आता भी था कि मनमोहन सिंह की पसंदीदा किताब इस साल क्या रही, इस टाइप के भी हमको कुछ कुछ ध्यान में आ रहा है। आप राहुल गांधी से भी पूछेंगे तो बताएंगे कि हम महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़ रहे थे, या कार्ल मार्क्स का कैपिटल पढ़ रहे थे, या लोहिया का, या जो भी है, या किसी लिटरेचर किसी भी साहित्यकार की किताब पढ़ रहे थे। नेहरू और गांधी जी वगैरह का तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वो बगैर पढ़ाई और लिखाई दोनों। अच्छा, ये भी नहीं कह सकते मोदी जी हम पत्र लिख रहे थे, कोई पत्र ने कोई लिख रहे थे ये भी नहीं कह सकते, पढ़ रहे थे ये भी नहीं कह रहे थे। आप जो 18 घंटा है या 20 घंटा या 24-26 घंटा, उसमें से कभी हमको उनको कहते नहीं सुना कि मैं जो है 3 घंटा लिखने में बिताता हूँ, और अगर कोई गलती से कहीं आ गया हो तो हमको मालूम नहीं, या मैं 2 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करता हूँ, कभी नहीं कहा हमको, हमको नहीं लग रहा है। बिल्कुल, अब जनता के ऊपर ही छोड़ देते हैं, लेकिन फिलहाल जो ये पूरा मसला है कि ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी कभी भी राहुल गांधी के साथ डिबेट नहीं करेंगे। अब उसको कई शब्दों में ये कहा जाए कि वो फिट नहीं है, या उनको ये पता है कि वो राहुल गांधी के साथ डिबेट करेंगे तो वो हार जाएंगे, इसलिए पार्टी भी अब भाग खड़ी हुई है। पार्टी ने भी अलग अलग तरीके से उसको कहना शुरू कर दिया है कि अरे राहुल कौन है, तो राहुल कौन है ये बात तो मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी को भी पता है कि जिस तरीके से राहुल कैम्ब्रिज में और ऑक्सफोर्ड में जाकर भाषण देते हैं, मोदी जी तो नहीं अभी तक एड्रेस कर पाए। तो सवाल ये उठता है कि 2024 राहुल कौन है, वो तो वो बोल रहे शहजादा है, वो तो खुद कह रहे हैं ना शहजादा है, तो हो गया। तो राहुल कौन है ये तो खुद प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तो इनके ये जो लोग हैं इनको ये पूछने का, अगर राहुल शहजादा है तो प्रधानमंत्री क्या है, शहंशाह है, तो शहंशाह और शहजादा में ये हो जाए, वो तो हो गया है ना, मान लिया एक तो आ ही गया है, वो उनको शहंशाह मान रहे हैं और ये इनको शहजादा मान रहे हैं, तो इन दो में डिबेट हो जाने में क्या दिक्कत है, सो कोई दिक्कत नहीं, डिबेट हो जाए, शहंशाह और शहजादा में डिबेट हो जाना चाहिए, ये इसमें क्या दिक्कत है, एक डिबेट देश देख ले शहजादा और शहंशाह में। चलिए, ओके, थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।